देखिए बंदर बैठा हुआ है और ये है रामचंडी मंदिर का रास्ता जहाँ से हम लोग लौट रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्रजराज नगर का। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंट्स नेस्ट। मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज़ पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है 150 और मेरा फेसबुक पेज है सेंट्स नेस्ट। और अगर आपने रामचंडी मंदिर का ब्लॉग नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक इट आउट। बहुत ही सुंदर ब्लॉग है और मैंने बहुत कुछ उसमें बताया है रामचंडी मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी सरप्राइजेज है इसमें और हमने घर से क्या क्या बना के लाए और कहाँ पे बैठ के हम लोग खाए ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी हिली एरिया में बना हुआ है और इसके किनारे से भी ईब नदी बहती है और टेंपल का आर्किटेक्चर भी हिस्टोरिक है। बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है और जो टेंपल का हॉल है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। बहुत स्पेस है, काफ़ी लोग यहाँ बैठ सकते हैं और बाहर बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। बट गार्डन में थोड़ा मेंटेन्ड नहीं है। अगर इसे अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। मंदिर के चारों तरफ बहुत ही सुंदर सीनिक व्यू है जो कि बहुत ही मन को भा जाता है। 1936 में जब बिरला वालों ने यहाँ पे पेपर मिल इस्टेब्लिश किया उसी समय ये मंदिर का भी स्थापना हुआ था। तो मंदिर तो रह गया लेकिन पेपर मिल बहुत पहले ही बंद हो चुका है और अपने वर्कर्स और स्टाफ्स के लिए ये मंदिर को बनाया गया था। मंदिर में रेगुलरली पूजा होता है दोनों टाइम और सारे फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है इस मंदिर में। संध्या आरती होने के बाद हम लोग बाहर आ गए और ये है नाइट व्यू ऑफ लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप देख सकते हैं गोधूली वेला में कितना सुंदर दिख रहा है ये दृश्य। और ये देखिए बगल से ईब नदी बह रही है और वो दूर में जो आपको लाइट दिख रहा है वो है रामचंडी मंदिर। और भी दूर में जो दिख रहा है वो है झारसुगड़ा। जो लाइट दिख रहा है बहुत ढेर सारा लाइट वो है झारसुगड़ा। और देखिए यहाँ का व्यू कितना मनमोहक है। म
मंदिर के बिल्कुल बाहर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया बना हुआ है। यहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लेके आए हैं, तो चलिए आप भी हम लोग के साथ नाश्ता कर लीजिए और मैं बताती हूँ कौन क्या क्या बनाया है। और सभी अपने बैग से नाश्ता निकालने में बिजी है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे बासुंती बना के लाई है गुपचुप, जो कि सभी के फेवरेट है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है गुपचुप, और बहुत ही टेस्टी बना है। और यहाँ पे किरण बना के लाई है ढोकला, और जो कि बहुत ही टेस्टी है ढोकला भी, एकदम यम्मी डिलीशियस। और बना के लाई है मिसेस कुमार बेसन का हलवा, वो तो इतना टेस्टी बना था कि मैं बहुत सारा खा ली। और मैं बना के लाई हूँ सैंडविच, जो कि आप देख रहे ग्रिल सैंडविच। और वैशाली बना के लाई है साबूदाने का बड़ा, इतना टेस्टी मैं आपको क्या बताऊं। और सब लोग मिलके हम लोग जम के नाश्ता किए, और ग्रिल सैंडविच का रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बने रहिएगा। और मैं भूल के बताना आप लोगों को, इसके साथ था इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी, इतना टेस्टी लग रहा था सारा नाश्ता कि क्या बताऊं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखिए हम लोग की मस्ती चल ही रही है। तो ये था आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।